हेलो नमस्ते एंड अ वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी और आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कालका शिमला टॉय ट्रेन जर्नी की सारी डिटेल्स, जो कि आप लोग मुझसे अक्सर पूछा करते हैं। वैसे मैंने तो ये जर्नी की थी जनवरी 2020 में, पर उसके बाद कोविड की वजह से मैं ज़्यादा इस ट्रेन जर्नी के बारे में आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि ये बंद थी। अब जो कि ये फिर से शुरू हो चुकी है, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम और इज द राइट सीजन जब आपको ये टॉय ट्रेन जर्नी का आनंद लेना चाहिए, लुत्फ उठाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई देते हैं। ऑल्सो आपको इस वीडियो में टिकट का कॉस्ट, कहाँ से बुक करें, कितना टाइम लगता है, कहाँ से ट्रेन पकड़नी होती है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो अब बात करते हैं कि आप हिमदर्शन एक्सप्रेस की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप उसे IRCTC से कर सकते हैं, जहां से आप देखेंगे जाकर जैसे ही कालका शिमला डालेंगे आपको वहां पर 3-4 ट्रेन्स के ऑप्शन दिखाई देंगे, पर हिमदर्शन एक्सप्रेस जिसमें मैंने ट्रैवल किया था वो ये ट्रेन है। तो वो आपको मिल जाएगी IRCTC से। इसका किराया जो है वो 630 रुपये समथिंग कुछ होता है पर पर्सन। और जैसा कि अभी 6 बज रहे हैं कालका स्टेशन में, बट ट्रेन का जो टाइम है वो 7 बजे का है। वो 7 बजे स्टेशन से छूट जाती है ये ट्रेन, सो बिल्कुल एकदम टाइम से आपको पहुंचना पड़ेगा। और शिमला इसका पहुंचाने का एग्जैक्ट टाइम है 12:55 का, और ये हमेशा राइट टाइम ही चलती है। हिमदर्शन एक्सप्रेस जो कि कालका टू शिमला चलती है, एंड ये स्टार्ट हुई है 25 दिसंबर 2019 को। 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है। 988 ब्रिजेज एंड 102 टनल्स क्रॉस करके ये ट्रेन हमें शिमला लेकर जाएगी। 5 घंटे और 55 मिनट की का वक्त लगेगा। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड इन माई विस्टाडोम कोचेज बिकॉज इट हैज़ ग्लास रूफ, जो कि अभी ये सब ब्लाइंड्स, यहाँ पर भी ब्लाइंड्स है as you can see guys, yes, so I am super duper excited to start this journey and experience this journey. And as you can see, this coach is has 15 seats, isme 15 seats hai, and meri seat ये वाली है जो कि विंडो सीट है, एंड मैंने स्पेशली विंडो सीट ही लिया था। इसमें स्प्लिट एसी है, मैंने पहली बार किसी ट्रेन में स्प्लिट एसी देखा है, एंड इट इज़ क्वाइट गुड यार, मतलब कि। और आपको एक अच्छी चीज़ भी दिखाती हूँ, ये जो सीट्स है एज यू कैन सी, ये दोनों साइड से आप बैठ सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं आप ऐसे बैठना तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। इफ़ यू वांट लाइक सिट लाइक दिस देन आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि 7 बजे इस ट्रेन के चलने का टाइम है, एग्जैक्ट 7 बजे ये ट्रेन कालका स्टेशन से रवाना हो चुकी है। और आप देख रहे हैं सामने बहुत सारी और भी ट्रेन है, तो हिमालयन क्वीन एंड इस तरीके की और भी टॉय ट्रेन चलती है, बट दिस वन इज हिमदर्शन एक्सप्रेस इन विच आई एम ट्रैवलिंग टूडे। सो या लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। गाइस हमारी ट्रेन जो है वो चल चुकी है फ्रॉम कालका। ट्रेन स्टॉप हुई है अभी बड़ो स्टेशन पे,
as you can see, and everybody is having tea, and station is so cute. Do you have to check out? जैसा कि ये स्टेशन बड़ा ही ब्यूटीफुल है, सुंदर सा, तो ये ट्रेन एक ही स्टेशन पर रुकती है जो कि ये स्टेशन है, जिसका नाम है बड़ोग. और यहाँ पर आपको खाने के लिए चाय, कॉफ़ी एंड स्नैक्स मिल जाएगा. सो मेक श्योर कि आप यहाँ से ले लें, कॉज उसके अलावा और किसी स्टेशन में ये गाड़ी नहीं रुकती है. इन केस कहीं रुक गई तो वहाँ पर आपको कुछ मिले ये ज़रूरी नहीं है. एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ किड्स, देन यू मस्ट कैरी सम स्नैक्स फ्रॉम कालका इट्सेल्फ, कॉज इस ट्रेन में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, ना तो कोई पानी, ना कोई स्नैक्स, ना कोई चिप्स का पैकेट, नथिंग नथिंग नथिंग. एंड आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट गाइस, इफ आप कुछ लेकर भी ट्रैवल कर रहे हो स्नैक्स, तो प्लीज़ उसके पैकेट फाड़कर ऐसी रास्ते में मत फेंक दो. बस ये इतना ब्यूटीफुल, इतना सीनिक जर्नी है, और आप अगर यहाँ पर रास्ते में ऐसी फेंकते हुए चलोगे अपने चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स के पैकेट, देन यार आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं हो हमारे देश के, राइट? सो डोंट डू दैट. एंड यस, मेरी जर्नी तो बड़ी अच्छी खासी चल रही है अभी तक. प्रूव हो गया कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आई नो इट इज फिल्मी, टू फिल्मी, बट यस गाइस, मानो या ना मानो, मैं शिमला सिर्फ स्नोफॉल के लिए गई थी. आई हैव मेड दिस इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन टू माई सेल्फ कि बस मुझे जाना है जस्ट फॉर द स्नो, बिकॉज मैंने फोरकास्ट में देखा था कि इस दिन स्नो होने वाली है. और यस मैंने ये डिसीजन बड़ा ही अच्छा लिया, बिकॉज जैसे ही हम शिमला को एंटर करने लगे एंड हमने देखा कि कल रात को बड़ी अच्छी खासी स्नो हुई है, और ओ माय गॉड, द वाइट विंटर वंडरलैंड जिसके बीच से ये गाड़ी होकर गुजर रही थी, इट इज़ सो 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 ब्रेथ टेकिंग. एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी इन शिमला फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज. जैसे हम कोई दर्शन वर्शन करने जा रहे हैं माता के. ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर कालका शिमला टॉय ट्रेन जर्नी, जिसमें मैंने हिम दर्शन एक्सप्रेस जो कि नई स्टार्ट हुई है उसका रिव्यू किया. आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन पे जरूर अपना फीडबैक छोड़ना.